जब से कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू हुआ है तब से एक शब्द है जो बहुत ही आम हो चुका है। रेदर हम कह सकते हैं कि लोग इस शब्द के बारे में बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए हैं और वो शब्द है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति। कोरोना के चलते लोगों की खान पानों की आदतें बदल रही है। इम्यूनिटी बूस्टर चीजों की, इम्यूनिटी बूस्टर पेयों की डिमांड बढ़ती जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मिताज कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी पावर के बारे में और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी चीजें जो हमें माँ प्रकृति ने दी है और जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वैसे तो हमारा शरीर कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम रहता है। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी अगर पैदा होती है तो हम उसे जड़ से खत्म कर सकते हैं, पर ये किस पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी सक्षम है उसमें। अलग अलग लोगों में अलग अलग इम्यूनिटी पावर देखी जाती है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल है कोरोना। कोरोना के करंट अगर हम डेटा पे अगर हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोरोना से 1,50,00,000 लोग अब तक उसके चपेट में आ चुके हैं। उसमें से 1,11,00,000 लोग इससे बाहर आ चुके हैं और 1,59,000 लोगों की आज तक कोरोना से मौत हो चुकी है। इलाज की हालतों को छोड़ के रिकवरी होने या नहीं होने वाले लोगों के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है इम्यूनिटी पावर। हम बहुत सारे टाइम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं और उनको रिकवर होने के लिए, ठीक होने के लिए भी काफी समय लगता है। पर एक साइड पे ऐसे भी लोग रहते हैं जो कभी तो मुश्किल से बीमार पड़ते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से भी वो आसानी से बाहर आ सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये होता है इम्यूनिटी पावर की वजह से। आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी सक्षम है उस पे। तो इम्यूनिटी पावर हमारी कैसे बढ़ाई जाए ये समझने से पहले सबसे पहले ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपका शरीर अंदर से जितना साफ रहेगा उतनी ही आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी। अभी समझो दो डस्टबिन है, एक डस्टबिन पूरा खाली है और दूसरे डस्टबिन में पूरा कचरा भरा हुआ है। तो अगर समझो कीटाणु को आना है, तो अगर कीटाणु को अपना घर बनाना है तो किस में वो अपना घर बनाएगा? बट ऑब्वियस जिसमें कचरा भरा है वो अपना घर बनाएगा। तो वैसे ही हमारे शरीर के साथ होता है। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो, बाहर का खाना खाते हो या खाते ही रहते हो जिसकी वजह से आपके शरीर को डाइजेशन करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो आपके शरीर में गंदगी जम जाती है और ये गंदगी अट्रैक्ट करती है कीटाणुओं को और वहाँ पे कीटाणुओं का घर बन जाता है और उसके वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। तो अगर आपका शरीर अंदर से साफ रहेगा तो आपके शरीर में कीटाणु आएंगे नहीं और उसके वजह से आपकी इम्यूनिटी हमेशा हाई रहेगी और आप कोरोना जैसे वायरस का, कोरोना जैसे बीमारी का भी आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोरोना भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी एनर्जी लेवल बरकरार रहती है, आप जल्दी थकते नहीं है, आपके डाइजेशन में सुधार आती है और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब आप कम बीमार पड़ते हो। और जो सब लंबे समय से अगर कोई बीमारी आपके शरीर में घर ले चुकी है तो वो बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो चलो जानते हैं कुछ ऐसी आयुर्वेदिक होम रेमेडीज जिन्हें हमें माँ प्रकृति ने दिया है और जिसका इस्तेमाल हम कम से कम समय में अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर में है गिलोय। गिलोय ये कम समय में अगर आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो सबसे पावरफुल हर्ब गिलोय है। कोई भी वायरस से लड़ने के लिए गिलोय काफी मददगार साबित होती है। सर्दी, बुखार, जुकाम से लड़ने में मदद करती है। गिलोय का सबसे पहला असर हमारे पाचन में होता है। इसके साथ साथ बालों का झड़ना, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसमें भी गिलोय फायदेमंद होती है। इसलिए आपको इसका सेवन हर रोज करना चाहिए। गिलोय आप तीन तरीके से ले सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, नहीं तो जूस फॉर्म में। आपको कोई भी आपके नजदीक में आयुर्वेदिक शॉप रहेगा वहां पे आपको इजीली मिल जाएंगे।
अगर आप टैबलेट्स ले रहे हो तो खाना खाने के बाद 1 से 2 टैबलेट आप ले सकते हैं। अगर आप पाउडर के फॉर्म में ले रहे हो तो उसे शहद या पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। और अगर आप जूस ले रहे हो गिलोय का, तो 15 से 20 मिलीलीटर जूस सेम इक्वल पानी में, इक्वल मात्रा पानी में डाल के आपको लेना होगा। सेकंड है तुलसी। तुलसी एक ग्रेट वंडरफुल नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। भारत में अधिकांश घरों में तुलसी के पौधे पाए जाते हैं। हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले ही तुलसी के औषधीय गुणों को पहचान लिया था, और इसलिए हमारे रोजाना जिंदगी में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए ऋषियों ने भी तुलसी को प्रमुख स्थान दिया गया था, पर हम शायद इसे पूरी तरह पहचान नहीं पाए। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसमें विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर तुलसी सभी रोगों को दूर करने में समर्थ है। तुलसी पाचन शक्ति को बढ़ाती है। तुलसी के नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे सर्दी, जुकाम और अन्य संक्रामक बीमारियों से हमारा बचाव होता है। इसलिए तुलसी का इस्तेमाल एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी किया जाता है। दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं। माउथ वॉश हो गया, सैनिटाइजर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। रोजाना 5 से 6 तुलसी के पत्ते चबा के खाइए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो तुलसी की चाय बना के पीजिए, जिसमें कुछ तुलसी के पत्ते डालिए, जो पानी में डाल के उबालिए, उसके साथ साथ दालचीनी डालिए, ब्लैक पेपर डालिए, थोड़ा शहद मिक्स कीजिए, थोड़ा नींबू मिक्स कीजिए, थोड़ा अदरक डालिए और उसको उबाल के तुलसी की चाय पीजिए। आजकल तो बहुत सारे मार्केट में तुलसी के ड्रॉप्स भी अवेलेबल होते हैं, जो आयुर्वेदिक शॉप में मिलते हैं, जो रोज़ाना सुबह शाम जब हम पानी पीते हैं तो वो 2-2, 3-3 ड्रॉप्स पानी में डाल के आप पी सकते हैं, और उसके वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। पर मेरे हिसाब से आप जितना नेचुरली लेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी पावर जल्दी कम समय में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके लिए जितना नेचुरल उतना इफेक्टिव। तो नेक्स्ट आयुर्वेदिक चीज़ जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है वो है हल्दी। हल्दी तो हमारे घर घर में पाई जाती है। कोरोना से बचने के लिए हल्दी की डिमांड बढ़ती जा रही है। दुनिया भर से भारत में हल्दी की मांग बढ़ रही है, क्योंकि हल्दी एक बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी अगर अभी देखेंगे तो उनके किचन के पेय भी अभी बदल गए हैं। यात्रियों को सत्तू शेक, तुलसी मिंट, शिंकंजी, हल्दी दूध दिया जाना शुरू किया गया है। अभी इम्यूनिटी बूस्टर पेयों का डिमांड बढ़ रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी, तुलसी और जिंजर दूध से लेकर स्पेशल इम्यून खिचड़ी जैसे कई प्रोडक्ट्स बाजार में आ रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए हल्दी का इस्तेमाल कैसे किया जाए? हल्दी को सही तरीके से इस्तेमाल करना हमें पता नहीं होता, इसलिए हल्दी का पूरा असर हमारे शरीर पे नहीं होता। सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी जो रहती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि उसके पूरे फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं। कच्ची हल्दी जो रहती है उसे आप बाजार से लाके उसको मिक्सी में मिक्स कर सकते हैं विदाउट पानी डाल के, या थोड़ा सा नाम के लिए पानी डाल के, और उसके बाद उसको दूध में डाल के थोड़ा बॉईल लाना है और उसको आप हल्दी का दूध करके पी सकते हो। अगर आप कच्ची हल्दी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हल्दी पाउडर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक गुनगुने दूध में थोड़ा सा हल्दी चम्मच, हल्दी पाउडर और थोड़ी काली मिर्च डाल के उसके आपको पीना है। काली मिर्च पाउडर इसके लिए डालना है कि जिसके वजह से हल्दी आपके शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट है विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक। अगर आपके शरीर में विटामिन सी और डी और जिंक की मात्रा बहुत है तो कोरोना जैसे डेंजरस कीटाणु का भी आपके शरीर में कोई भी असर नहीं होगा। और इसके लिए दुनिया भर में विटामिन सी और डी की टैबलेट्स की डिमांड, जिंक की टैबलेट्स की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे हमारे फूड आइटम्स हैं जिसमें विटामिन सी, डी और जिंक भर भर के होता है। विटामिन सी यानि सब खट्टे फल जैसे कि आंवला, संतरा, कीवी, मौसम्बी, उसके साथ साथ मेथी, पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, इसमें भी सी विटामिन काफ़ी मात्रा में होता है। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो मशरूम,
संतरा, बादाम, गाय का दूध, इसमें विटामिन डी काफी मात्रा में होते हैं। पर सबसे इफेक्टिव सोर्स ऑफ विटामिन डी है सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट। अगर आप रोज सवेरे 15 से 20 मिनट अगर आप सनलाइट ले रहे हो तो आपको काफी मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा, वो भी नेचुरली। तो अभी बात करते हैं ऐसी चीजों की जिसमें जिंक की मात्रा काफी होती है। पम्पकिन सीड्स, सीसम सीड्स, चिक पीस, ऑयस्टर्स, क्रैब, ओट्स, इनमें जिंक की मात्रा काफी रहती है। लहसुन यानी गार्लिक में भी जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये थी कुछ चीजें जो हमें माँ प्रकृति ने दी है जिसका इस्तेमाल हम हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बूस्ट करने के लिए कर सकते हैं। पर हाँ, रुकिए, जब आप अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए ये चीजों का इस्तेमाल करने वाले हो तो उसके साथ साथ आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कौन सी आदतें हैं, कौन सी चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा? जैसे हो गया आपका खाना, खाने का समय। आजकल हम बहुत सारे टाइम पे पैकेज फूड और बाहर के फूड का सेवन करते हैं जिसमें न्यूट्रिशन नाममात्र रहता है। पर अगर आपको आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। उसके साथ साथ नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इम्यूनिटी पावर में, क्योंकि जितना टाइम आप सोते हो उतना ही टाइम आपके इम्यूनिटी पावर को मिलता है आपके शरीर में जो जो गंदगी जमी है उसे साफ करने के लिए। तो ध्यान रखिए, जितना आप सोओगे उतना ही टाइम मिलेगा आपके शरीर से गंदगी बाहर जाने को। इसके लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद आपको मिलनी ही चाहिए, इस पे ध्यान दें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सरसाइज। अगर आपको सेहतमंद रहना है तो आपको किसी न किसी तरीके का एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, जिसके बगैर आपके इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होना मुश्किल है। आप कोई भी तरीके से एवरीडे एक्सरसाइज कर सकते हो। आप योगा कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, या कुछ नहीं तो सिंपल वॉक ही सही, पर आपके बॉडी की मूवमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो आज से ही हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कैसे किया जाए इस पे ध्यान जरूर दीजिए, जिसके वजह से थ्रू आउट लाइफ हम स्ट्रॉन्ग बने रहे, बीमारियों से दूर रहे और कोरोना नहीं ऐसे कोई भी भयंकर बीमारी से हम हमेशा से दूर रहे। तो ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए स्मिता'स कॉर्नर को सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसका फायदा हो। तो जल्दी ही मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।